खबर लांजी के किरणापुर से। जीवित बबूल वृक्ष की अवैध कटाई कर किया गया निर्माण कार्य, ग्राम जीवनाराम के ग्रामीणों ने सरपंच कुमारी खुर्द पर लगाए आरोप। लांजी जनपद पंचायत अंतर्गत कुमारी खुर्द पंचायत के ग्राम जीवनारा में सरपंच द्वारा जीवनारा ग्राम की शासकीय भूमि शमशान घाट का खसरा नंबर 93 में स्थित हरे जीवित बबूल के वृक्ष की अवैध कटाई कर विक्रय किया गया। एक तरफ शासन प्रशासन पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर पेड़ों की कटाई करके वहां पर सेट निर्माण का कार्य जीवनारा के सरपंच द्वारा किया गया। ग्रामीणों ने उक्त पंचायत प्रतिनिधि पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी को शिकायत के अनुसार प्रमुख बिंदु पर शिकायत पत्र वितरित किया गया, जिसमें बिंदुवार लेख है कि ग्राम पंचायत कुमारी खुर्द अंतर्गत जीवनारा घास की शासकीय भूमि शमशान भूमि का खसरा नंबर 93 रकबा 4.31 एकड़ है, जिसमें हरे भरे वृक्षों को बिना अनुमति के अवैध कटाई सरपंच रामकिशन चौधरी के द्वारा की गई। कटाई विक्रय की संख्या 208 है और लंबाई 50 है। शासन के नियमानुसार हरे वृक्षों की अवैध कटाई दंडनीय अपराध है, तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पेड़ों की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा उचित राशि सरकार के खाते में न डालकर पंचायत द्वारा उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। खबर भारत न्यूज के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। आप क्या नाम लिखते हैं भैया? मैं विजय रमेश कालबेले। आपके पिताजी का नाम? रमेश कालबेले। कहाँ के निवासी हैं आप? सिरेगांव के। सिरेगांव, तहसील? जिला बालाघाट। आपने भैया जीवनारा मोक्ष धाम से जो पेड़ खरीदे, तो उसमें सरपंच ने आपको क्या बोल के पेड़ खरीदने के लिए कहा? सरपंच बोला कि मैं पावर हाउस बन रहा है, वहाँ नीलामी कर रहे हैं, इसका नीलामी कर रहे हैं बोला है। मैंने जाके सौदा किया, सौदा करने के बाद में उसको प्रमाणीकरण मांगा। हाँ। एक बार मैंने 10,000-11,000 रुपए दिया बयाना में। हाँ। उस समय मैंने लिया नहीं प्रमाणीकरण। अच्छा, अच्छा। बोला पूरे पैसे दूंगा फिर देना। अच्छा, सरपंच ने ये नहीं कहा कि ये मोक्ष धाम है तो यहाँ की लकड़ी काटना उचित नहीं है, और यहाँ पे बोले पावर हाउस आ रहा है। हाँ। और बिजली का पावर हाउस बनने वाला है। हाँ। जी, ये बात कहा था आपसे। हाँ। तो आपने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आपने ऐसा पूछा था उनसे? हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोले थे आपसे? प्रमाणीकरण दूंगा, प्रमाण पत्र बना करके, प्रमाण पत्र बना के दूंगा। हाँ। कि बोले गांव वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने ऐसा बोला कि आपसे? मैंने तो बोला था सचिव का भी साइन चाहिए मेरे को। हाँ, तो सर हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें पंकज डहरवाल, कॉन्टेक्ट नंबर 9826564928। कार्यालय का पता, प्रेस मीडिया कार्यालय, तिरोड़ा रोड, खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।